देश का मतलब क्या है? हाँ देश क्या बगैर लोगों से है? देश क्या बगैर लोकतंत्र के रहेगा? और तो देश अपने आप में कोई ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ की परंपरा होती है, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी उसी के तहत। तो आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के जो सबसे अभूतपूर्व स्थिति पैदा, वो ये संसद में विपक्ष के, ऐसे भी विपक्ष के नेता नहीं है ऑफिशियली, एक सांसद है, सांसद के लिए पूरा सत्ता पक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बाधित कर रहा है। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति कभी नहीं पैदा हुई थी। जैसे खर्च है कि जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा बाद, इन पैसों को तो हम गिन सकते हैं, ये उन पैसों से कम है जो अडानी के शेयर गिरने से लाखों करोड़ रुपए का जो नुकसान हो जाता है, उतना पैसे का नुकसान नहीं है ये पैसों का नुकसान, उसकी भरपाई तो हो सकती है। लेकिन जिस जो इस लोकतंत्र पर अगर आघात हुआ, अगर संसदीय परंपरा टूटी और इस तरीके से कि अडानी पर चर्चा होगी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, दोनों में बड़ा मुद्दा कौन है, यहाँ पर तय स्थिति तय करने की बात आ गई है। क्या देश की अर्थव्यवस्था से बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी का माफी मांगना? और कौन सी ये बितंडा खड़ा किया जा रहा है, सरकार जवाबदेही से बच रही है, जवाब देना नहीं चाहती है, अडानी मुद्दे पर बहस कराना नहीं चाहती है, इसलिए एक सांसद के बोलने पर इतना बड़ा हंगामा काटे हुए हैं। अब बताइए राज्यसभा में राहुल गांधी क्यों माफी मांगे भाई, वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, अगर विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो स्पीकर इस पर संज्ञान लेंगे कि राजनीतिक बितंडा खड़ा किया जाएगा, स्पीकर संज्ञान ले विशेषाधिकार, अगर संसद के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो। लेकिन वो नहीं, हंगामा खड़ा करना ही यहाँ मकसद है, हंगामा खड़ा करना नहीं, लेकिन 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 कांग्रेस के लोग भी हंगामा कर रहे हैं, हंगामा सिर्फ बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जो जिस जिस मैं कह रही हूँ कांग्रेस की रणनीति थी, क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही थी कि जैसे सेशन स्टार्ट होगा हम इस बार बीजेपी को घेरेंगे, लगातार खड़गे जी की मीटिंग्स भी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर